गाइस, आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि फ्रैंकलिन सिंचन पिंचन और चॉप एक कार गैराज के मालिक के पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं और कार गैराज का मालिक एक कार को रिपेयर करने के लिए 1,00,000 रुपया देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन सिंचन अलग कार रिपेयर करता है और फ्रैंकलिन चॉप और पिंचन तीनों मिलकर एक ही कार को रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन सिंचन बहुत ही जल्दी तीनों कार को रिपेयर करके नया कर देता है और गैराज के मालिक को चुपके से यह बोल देता है कि फ्रैंकलिन पिंचन और चॉप आपको ठग रहे हैं, इन लोगों को कार रिपेयर करना नहीं आता है, इन लोगों को नौकरी से निकाल दो। और गैराज का मालिक सिंचन की बातों में आ जाता है और फ्रैंकलिन चॉप और पिंचन को एक भी पैसे दिए बिना नौकरी से बाहर निकाल देता है। फिर फ्रैंकलिन सिंचन पिंचन और चॉप लेस्टर के कहे अनुसार लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के पास उसकी गोल्ड की कार और एरोप्लेन रिपेयर करने के लिए आते हैं। फिर सिंचन एरोप्लेन रिपेयर करने लगता है और फ्रैंकलिन पिंचन और चॉप गोल्ड की कार, क्योंकि फ्रैंकलिन को एरोप्लेन रिपेयर करना नहीं आता है। कुछ ही देर में फ्रैंकलिन गोल्ड की कार को रिपेयर कर देता है और सिंचन एरोप्लेन को। फिर प्रेसिडेंट सिंचन को 1,00,000 रुपया इनाम के तौर पर देता है और फ्रैंकलिन को सिर्फ 2,00,000 ही देता है। प्रेसिडेंट बोलता है कि कार तो कोई भी रिपेयर कर सकता है, लेकिन एरोप्लेन कोई भी नहीं। सिंचन के पास फ्रैंकलिन चॉप और पिंचन से कहीं ज्यादा पैसे हो जाता है। फिर फ्रैंकलिन सिंचन से हेल्प के लिए 10,00,000 रुपया मांगता है, लेकिन सिंचन फ्रैंकलिन चॉप और पिंचन को पैसे देने से इनकार कर देता है, जिससे फ्रैंकलिन चॉप और पिंचन गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। अब देखिए आगे। अबे यार फ्रैंकलिन, क्या कर रहे हो यार तुम? कल से ही बोल रहे हो मेरे को तुम हड्डी खिलाओगे, लेकिन भाई साहब अभी तक तूने यार एक मुर्गी तक नहीं खरीद के लाए हो। अबे यार चॉप, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? भाई साहब मैं और पिंचन दिन रात एरोप्लेन बनाने वाली किताबें पढ़ रहा हूँ ताकि एरोप्लेन बनाना सीख जाऊँ। कल सिंचन को यार 10,00,000 रुपया मांगे, उसने तो भाई साहब साफ इनकार कर दिया, तो यार मैं तेरे को मुर्गी और लेग पीस कैसे खिलाऊंगा यार? अबे हाँ यार फ्रैंकलिन, तू ठीक ही बोला यार, ये सिंचन का बच्चा कल धोखा दिया। अबे सिंचन दे देना भाई 10,00,000 रुपया अपन को। अरे नहीं यार चुप, कैसे दे दूं यार तुम लोगों को पैसे? भाई साहब दिन रात पढ़ाई करके ये पैसे अपन ने कमाए हैं, तो फिर यार तुम लोगों को कैसे दे दूं? अबे यार सिंचन, मैं तो यार तेरा सबसे अच्छा वाला दोस्त हूँ ना यार, और फ्रैंकलिन भाई और पिंचन तो तेरा भाई जैसा है, 10,00,000 रुपया दे दो ना यार अपन लोग को तुम। अरे यार चुप, दोस्त वोस्त गया भाड़ में यार, अपन को यार और दोबारा तुम लोग पैसे मत मांगना, समझ गए ना? अबे फ्रैंकलिन तू ठीक ही कर रहा यार कि मन लगा करके पढ़ाई कर रहा है। अबे पिंचन तू भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर यार, एरोप्लेन बनाना सीखो यार, ये कार बनाने वाली टेक्निक से भाई अमीर नहीं बनने वाले अपन लोग, ये सिंचन का बच्चा अपन लोग को हेल्प नहीं करना चाहता यार। अबे चोप तू टेंशन मत ले भाई, जिस दिन यार मैं अमीर बन गया ना, तो तुम्हारे लिए यार अच्छे अच्छे खिलौने, लेग पीस और बहुत सारी मुर्गियां खरीद करके तुम्हारे घर में ही ला दूंगा यार, तू हमेशा लेग पीस खाते रहना। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं तो इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ ना यार, कि सिंचन भैया से भी अच्छा मैकेनिक बन जाऊंगा मैं कुछ ही दिनों में। अबे यार चोप, पीछे देख पीछे, भाई लेस्टर क्यों आया यार अपन के घर में? अरे यार फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो यार। अबे हाँ यार लेस्टर, सुन रहा हूँ, बोलना भाई क्यों आए हो तुम अपन लोग के घर में? अरे यार फ्रैंकलिन, लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट यार तेरे से अभी के अभी मिलना चाहता है, लगता है तुमसे कुछ जरूरी काम पड़ गया है उसको। अरे यार लेस्टर अंकल, मेरे को नहीं बुलाया है क्या यार? अरे नहीं यार, सिर्फ फ्रैंकलिन को बुलाया है। अबे फ्रैंकलिन, जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा, हम लोगों को चलना चाहिए यार प्रेसिडेंट साहब से मिलने के लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया, चोप ठीक ही बोल रहा है यार। ठीक है यार पिंचन, अगर तुम लोग बोलते हो तो चलो यार मिल लेते हैं प्रेसिडेंट साहब से, आखिर बुला क्यों रहे हैं अपन लोग को। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैं भी चलूंगा यार तेरे साथ में, अगर कुछ फायदा का सौदा होगा तो भाई मैं भी कूद पड़ूंगा उसके अंदर। अबे यार फ्रैंकलिन, ये लालची सिंचन तो फिर से यार अपन लोग के साथ में जाने लगा, जहाँ इसको फायदा दिखाई दिया ना बस यार ये वहाँ पे कूद जाता है। अरे यार चुप, मुंह बंद कर तू अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं, लालची किसको बोलता है तू? अरे लेस्टर अंकल, आप गाड़ी
गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। इस चोप के बच्चे को आज मैं गाड़ी के ऊपर बैठा करके ले जाऊंगा। अरे चोप तू ऊपर चढ़ेगा समझा क्या? अरे लेस्टर अंकल इधर नहीं यार, उधर आगे जाकर के बैठना जल्दी से वरना चोप बैठ जाएगा अभी। अबे यार फ्रैंकलिन ये लालची सिंचन देखा मेरे साथ भेदभाव कर दिया यार, खुद यार कार के नीचे बैठ गया और लेस्टर अंकल को यार बैठने के लिए बोल दिया, मुझे यार ऊपर जाना पड़ गया। ठीक है बे सिंचन देख लूंगा तेरे को मैं। अबे यार चोप तुम लोग यार लड़ाई झगड़ा बंद करो ना। अबे लेस्टर क्या बोलना चाहते हैं यार लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट? अरे यार फ्रैंकलिन मेरे को कुछ नहीं पता यार, लेकिन यार पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ और सिर्फ यार तुम्हें ही खोज रहे थे वो। अरे यार लेस्टर अंकल फ्रैंकलिन भैया इतने भी बहादुर नहीं है यार कि लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट सिर्फ फ्रैंकलिन भैया को ही ढूंढेंगे, मुझे भी तो यार ढूंढ सकते थे, मैं भी तो यार बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ। अबे यार सिंचन तू अपना मुंह बंद करना भाई, अगर तू बहादुर है तो तेरे को क्यों नहीं बुलाए? अबे यार फ्रैंकलिन ये सिंचन का बच्चा तो अपने आप को बहुत ही बहादुर बोल रहा है यार। अबे यार चोप तू भी अपना मुंह बंद करना, थोड़ा सुन लेते हैं प्रेसिडेंट साहब आखिर यार बोलना क्या चाहते हैं आप उन लोग को। हेलो सर मैं फ्रैंकलिन, आपने मेरे को बुलाया? अरे हाँ फ्रैंकलिन सुने हैं तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। अरे अंकल मैं भी बहादुर हूँ, मैं भी तो सुनना चाहता हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं। अरे ठीक है तुम भी आ जाओ मेरे पीछे पीछे, एक सीक्रेट बात बतानी है तुम लोगों को। अबे चुप सुन लिया ना कान खोल करके, मैं भी कितना बहादुर हूँ, प्रेसिडेंट साहब मेरे से भी बात करना चाहते हैं, तेरे अक्कल आई अब ठिकाने में। अबे चल चल डरपोक कहीं का, कहीं पर भी लड़ाई होता है तो सबसे पहले तू ही भागता है। अरे सुनो सुनो फ्रैंकलिन मैं तुमको एक काम देता हूँ, अगर तुमने ये काम कर दिया मेरा तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे प्रेसिडेंट सर लेकिन काम कौन सा है ये तो बताइए। अरे फ्रैंकलिन लॉस सैंटोस का जो आर्मी बेस है ना, जो जमीन के नीचे है, उसमें सरकार की बहुत सारी गोल्ड भरी हुई है और आज एक भी मिलिट्री वाले वहाँ पर नहीं है, सबके सब छुट्टी पर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस गोल्ड को चुरा करके मेरे को दे दो, मैं तुझे उस गोल्ड का 10% तुम लोगों को दे दूंगा। और दूसरा काम ये है कि लॉस सैंटोस के पहाड़ों के अंदर एक गुफा है, उसके अंदर बहुत सारे हीरे भरे हुए हैं, अगर तुमने उसे चुरा के ले आया तो मैं तुझे उसका 50% दूंगा, बहुत ही ज्यादा हीरे हैं वहाँ पर। अरे सर लेकिन हीरे चुराने के 50% और गोल्ड चुराने के सिर्फ 10%, ऐसा क्यों? अरे फ्रैंकलिन क्योंकि हीरे चुराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वहाँ पर मिलिट्री वाले भी मिल सकते हैं तुमको। अरे प्रेसिडेंट सर ये लोग डरपोक है डरपोक, मैं आपके हीरे चुरा करके लाऊंगा, मैं पूरे लॉस सैंटोस का सबसे बहादुर चोर हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, चाहे गुफा में कोई भी मिले मैं आपके हीरे चुरा करके लाऊंगा, वैसे भी उसमें 50% तो मिलेगा ना मेरे को। अरे हाँ सिंचन अगर तुमने वो हीरे चुरा करके ले आए तो मैं तुझे 50% दे दूंगा, लेकिन याद रखना काम बड़ा ही मुश्किल है। अरे सर लॉस सैंटोस का सबसे बहादुर चोर हूँ मैं, देखो डरपोक लोग सबसे पहले ही भाग गए। अबे सिंचन भाग नहीं रहे, जा रहे गोल्ड चोरी करने अपन लोग, तुम जाओ हीरे चुरा करके लाओ। अबे यार फ्रैंकलिन तू यार सच में बहुत ही बड़ा मूर्ख हो यार, हीरे चुराने के जगह पे तू यार गोल्ड चुराने के लिए जा रहे हो, भाई साहब इसमें 10% मिलेंगे अपन लोग को, और यार वो सिंचन अगर हीरे चुरा के ले आया ना तो 50% उसे मिलेगा, भाई वो तो यार बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा फिर। अरे फ्रैंकलिन भैया चोप तो ठीक ही बोल रहा है यार, हम लोगों को हीरे चुराने के लिए जाना था। अबे यार चोप और पिंचेन भाई साहब पहले जो काम आसान है उसे करना चाहिए, गोल्ड यार हम लोगों को आसानी से मिल सकता है लेकिन यार हीरे नहीं मिल सकता है, मरने दे यार उस सिंचन को उसके पास जा करके। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन तेरा दिमाग तो यार बहुत ही ज्यादा तेज है, मेरे को लगा यार तू ही उल्लू है लेकिन यार तूने सिंचन को उल्लू बना दिया लगता है मेरे को। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन ये कौन सी जगह है यार? अबे यार पिंचेन लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक आर्मी बेस यही वाला है, लॉस सैंटोस के सरकार के पास जितनी भी कीमती चीजें है ना सब इसी बंकर के नीचे छुपा करके रखे हैं ये लोग, चल आजा आजा। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन ये तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक बंकर लग रहा है मेरे को यार, ये तो सीधे जमीन के नीचे लेते जा रही है हम लोगों को यार। अबे हाँ यार चोप भाई साहब अपन लोग तो यार जमीन के नीचे ही जा रहे हैं। अरे भाई साहब ये कौन सा दरवाजा था? अबे फ्रैंकलिन हम लोग कहाँ आ गए यार? अरे भाई साहब ये तो पूरा खुफिया जगह लग रहा है मेरे को,
भाई साहब यहाँ तो आर्मी के सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और ये पूरा बंकर तो भाई साहब बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। अरे यार गाइस देखो 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 भाई साहब कितनी खतरनाक जगह है यार ये। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई यार, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट तो यार मेरे को सबसे बड़ा चोर लगते हैं, वो तो यार सरकार की ही संपत्ति चुराने के लिए बोल दिए। अबे हाँ यार पिंचेन, मैं तो यार ध्यान नहीं दिया था इस बात को लेकर के, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट यार खुद सरकार की खजाना चोरी करवा रहे हैं हम लोगों से, उससे बड़ा चोर तो यार कोई है ही नहीं। अरे भाई साहब क्या ही नजारा है, सच में यार पिंचेन ये लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक खुफिया बंकर है। इस बंकर में यार लॉस सैंटोस के गवर्नमेंट सबसे कीमती कीमती चीजों को ही रखते होंगे। अरे भाई साहब यहाँ तो लगता ट्रेनिंग करते हैं यार आर्मी वाले लोग। अबे यार फ्रैंकलिन मैं तो यार चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन भाई साहब गोल्ड कहीं पर भी दिख नहीं रही यार। अबे यार चोप यहाँ पे जरूर मिलेगा गोल्ड, भाई साहब यहाँ पे रेलगाड़ी थी, इसका मतलब है यार रेलगाड़ी के थ्रू सोने को लाया गया होगा यहाँ पर। और भाई साहब ये देख रहे हो ये है फाइटर जेट, जब यार कभी भी लड़ाई करनी होती है ना तो यार यहीं से निकल निकल करके जाते हैं आर्मी वाले लोग लड़ाई करने के लिए। और भाई साहब यहाँ पे है एटम बम। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन गोल्ड तो कहीं दिखाई नहीं दे रही यार। अरे हाँ यार पिंचेन मैं तो यार भूल ही गया था कि गोल्ड ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ पर। अबे चोप कहीं पर तेरे को गोल्ड दिखाई दी क्या? अबे यार फ्रैंकलिन अभी तक मेरे को कोई भी गोल्ड दिखाई नहीं दी, लेकिन भाई मैं जिधर जा रहा हूँ ना उधर गोल्ड मिल सकती है अपन को, बहुत ही खतरनाक एरिया पे घुस रहा हूँ यार मैं। भाई साहब इससे भी खतरनाक एरिया है इस बंकर में। अबे फ्रैंकलिन इधर आओ मेरे को यार यहाँ पे खजाना मिल गया खजाना। अबे चुप तुम हो किधर? भाई साहब आवाज तेरी किधर से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा यार। अबे यार फ्रैंकलिन मिलिट्री वाली गाड़ी दिखाई दे रही है ना तेरे को, उसके अंदर घुस जा यार सीधे। अबे पिंचेन इधर आ लगता है भाई साहब चुप की आवाज इधर से ही आ रही है। अबे यार चुप भाई साहब कितनी खतरनाक मिलिट्री वाली गाड़ियां हैं। अरे यार चुप मैं तेरे को देख लिया, भाई साहब क्या ही नजारा है। अबे यार फ्रैंकलिन नजर दौड़ा के देख भाई साहब चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड। अरे हाँ यार चोप लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को यार सब कुछ पता था कि गोल्ड कहाँ पर मिलेगी, भाई साहब इतने सारे गोल्ड यार उनको दे दिए वो तो यार और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अबे यार फ्रैंकलिन तू यार मेरी एक बात सुन, सिर्फ 10% अपन लोग को मिलेंगे, इसका मतलब है यार सिर्फ एक ही कैरेट गोल्ड अपन लोग को मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। चलो ना एक काम करते हैं यार, कुछ गोल्ड पहले हम लोग अपने घर में छुपा लेते हैं, फिर यार बाद बाकी सभी गोल्ड को यार प्रेसिडेंट के पास में ले चलते हैं। अबे यार चोप तेरा दिमाग ठिकाने में है या फिर नहीं, भाई साहब लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट का गोल्ड है ये, हम लोग यार पहले कुछ चुरा लेंगे फिर उसको देंगे तो हम लोगों के पास में तो कुछ आ जाएगी, लेकिन यार हम लोग पकड़े जा सकते हैं ना। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ नहीं होगा यार, सीधे घर लेकर के चल गोल्ड को, कुछ गोल्ड हम लोग पहले घर में ही छुपा देंगे। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन मूर्खो जैसी बात मत करना तू, समझा ना 50% गोल्ड पहले हम लोग घर में छुपाएंगे और बाद बाकी सब यार लेकर के जाएंगे प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है यार चोप ऐसा ही करते हैं यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया लोग यार कितना ज्यादा बेवकूफ है यार, वो लोग सोना चुराने के लिए गए हैं, भाई मैं तो हीरे लाने के लिए जा रहा हूँ, अगर यार हीरे हाथ में लग गए ना तो भाई मैं तो माला माल हो जाऊंगा। सबसे पहले यार आधा हीरे तो मैं खुद चुरा लूंगा, प्रेसिडेंट साहब को यार थोड़ी बहुत दूंगा और उसमें से भी 50% मेरे। अरे वाह यार मजा आ जाएगा मजा। लेकिन यार वो गुफा तो इधर ही कहीं पर था पहाड़ों के अंदर में, एक बार तो यार मैं इधर से गुजर रहा था तभी देखा था यार उस गुफा को, लेकिन भाई साहब यहाँ तो कोई भी गुफा नजर नहीं आ रहा है। अरे यार हाँ ये वाली गुफा है। अरे भाई साहब मिल गया मजा ही आ जाएगा, अब तो यार मेरे को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यार चलो चल करके देख लेते हैं कि गुफा कैसी है। अरे यार यहाँ तो पूरा अंधेरा है भाई, अंदर जाऊँ या फिर नहीं यार बहुत ही खतरा है लगता है अंदर में। लेकिन यार मैं तो बहादुर हूँ बहादुर, अगर अंदर नहीं गया तो फ्रैंकलिन भैया और चोप और पिंचन सोचेंगे मैं यार डरपोक हूँ, कुछ भी हो जाए यार मेरे को तो अंदर जाना ही पड़ेगा। भाई हीरो का सवाल है हीरो का, मेरे को यार किसी भी तरह से अमीर बनना है। लेकिन यार गाइस ये क्या भाई साहब, इसमें तो अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा है यार। अरे यार
थोड़ी थोड़ी डर भी लगने लगा है अब मेरे को। लेकिन यार फ्रैंकलिन भैया, चोप और पिंचेन सब कोई मेरे को बहादुर तभी समझेंगे यार जब मैं हीरे चुरा करके ले आऊंगा। फिर यार प्रेसिडेंट साहब मेरे को उन तीनों से ज्यादा बहादुर समझेंगे और बोलेंगे यार तेरे को ही सब काम दूंगा, कोई भी चोरी चपाटी करना हो ना तो सब कुछ मैं तेरे को ही बोलूंगा। अरे गाइस, ये क्या, यहाँ तो एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। लगता है यार ये भी हीरे चुराने के लिए आया था और इसे किसी ने मार दिया है। अरे भाई साहब, बहुत जोर की डर लग रहा है। लेकिन यार अभी तक हीरे मिले भी तो नहीं है यार, किसी भी तरह से हीरे लाना होगा। अरे यार गाइस प्लीज यार, आप लोग मेरे को सपोर्ट करो। फ्रैंकलिन भैया, चोप और पिंचन मेरे को क्या समझेंगे कि मैं नल्ला हूँ नल्ला। मैं यार कुछ दूर और जाऊंगा, मेरे को शायद हीरे मिल जाए। अरे भगवान, हीरे दिला दे यार। अरे यार लगता है हीरे मिल गया। अरे भाई साहब, लॉटरी लग गई, लॉटरी। अरे यार गाइस, ये क्या है भाई। मैं तेरे को खा जाऊंगा। अरे भागो यार भागो, ये तो भाई साहब भूत है भूत। अरे यार गाइस, ये क्या नजर आ गया यार, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे यार गाइस प्लीज यार, बचा लो मेरे को, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अरे यार गाइस लगता है ये भूत मेरे को पहचान गया। अरे यार मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अरे यार गाइस, ये कौन सा हीरा था यार जो उसकी मुंडी में लगा था। अरे यार गाइस, वो लगता है मेरे को खा ही जाएगा, जल्दी से जल्दी भागना होगा यार मेरे को। बहुत ही अफसोस से बताना पड़ रहा है यार तुम लोगों को कि हीरे यार अपुन नहीं चुराने सके। अरे यार गाइस, किसी तरह से जान बचा करके भागा हूँ मैं। अब यार लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा मैं तो यार बोला था कि फ्रैंकलिन भैया से भी ज्यादा बहादुर हूँ। अरे यार अगर हीरे मिल जाता तो भाई सब मजे ही आ जाते। फ्रैंकलिन भैया लोग को यार मैं और भी गरीब कर देता। और यार अगर फिर से मदद मांगने के लिए आते ना मेरे पास में, तो भाई मैं उसे कुछ भी नहीं देता। मेरे को यार पक्का बिलीव है कि उन लोगों को भी सोना नहीं मिलेगा। मेरे पास अगर हेल्प मांगने के लिए आए ना तो मैं यार उसे भी कुछ नहीं दूंगा। अरे यार ये किसकी गाड़ी है भाई। अबे यार सिंचन, देख करके गाड़ी चलाना यार। अरे यार ये तो चोप की आवाज है, ये लोग तो यार मेरे से पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अरे भाई ये क्या, इतने सारे गोल्ड। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, तुम लोगों ने सच में गोल्ड चोरी कर ली क्या यार। तो क्या बे बहादुर, हम लोग तेरे जैसा नल्ला थोड़ी है। कहाँ है तेरे हीरे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैं तो यार गुफे में घुस गया था, लेकिन भाई सब जैसे ही गुफे के अंदर में गया ना यार, एक बहुत ही खतरनाक वाला भूत वहाँ पे निकला, मेरी तो फट गई। मैं तो यार बहुत ही जल्दी पल्दी दौड़ के भाग गया यार वहाँ से। अबे यार फ्रैंकलिन, देख लिया ना इस लालची सिंचन को, अब ये डरपोक सिंचन भी है, समझ गया ना तू। अबे सिंचन देख देख कितनी सारी गोल्ड है हम लोगों के पास में। ये जितनी भी गोल्ड दिखाई दे रहे हैं ना तेरे को, ये सब अपन लोग का गोल्ड है। और उधर जो बगल में गाड़ी खड़ा है ना, वो प्रेसिडेंट साहब की है भाई। हम लोगों ने 50% पहले ही घर में रख लिया, ताकि यार वहाँ पे 10% मिलेगा तो उससे हम लोगों का क्या होगा, इसलिए यार हम लोगों ने पहले ही 50% चुरा लिए है प्रेसिडेंट साहब की गोल्ड को। अरे वाह यार फ्रैंकलिन भैया, तुम लोग तो यार कमाल के दिमाग लगा दिए हो, पहले ही कुछ गोल्ड चोरी कर लिए हो प्रेसिडेंट साहब का। अरे यार मेरे को भी कुछ दे देना यार। अबे ठीक है यार सिंचेन, दे देंगे यार थोड़े से गोल्ड तेरे को भी। अबे यार फ्रैंकलिन, दोबारा बोलना भी मत कि सिंचेन को गोल्ड देंगे अपन लोग, इस लालची सिंचेन को तो कुछ भी नहीं देने वाले। चल यार प्रेसिडेंट साहब को दे देते हैं सभी गोल्ड, उससे भी 10% मिलेंगे अपन लोग को। अरे यार चुप, फ्रैंकलिन भैया तो यार अपन को गोल्ड देना चाहते हैं, तू यार मना क्यों कर रहा है यार। अबे यार सिंचेन, तू तो भाई बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, तू तो यार कहीं पर भी कमा सकते हो ना यार, हीरे पैसे गोल्ड सब कुछ। प्रेसिडेंट साहब तो तुमको ही ना जानते हैं कि तू ही बहादुर है, हम लोग तो भाई सब नल्ला है नल्ला। अबे यार चोप, तू अपना मुंह बंद करना। प्रेसिडेंट साहब यार अपन लोग का वेट कर रहे, देख रहे हो सिंगल है यार सिंगल। अरे प्रेसिडेंट साहब, आपकी सभी गोल्ड को हम लोगों ने लेकर के आ गए हैं। अरे वाह बच्चे, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया कमाल, लेकिन हीरे कहाँ गए। अरे प्रेसिडेंट साहब, गुफा के अंदर में भूत था यार, मेरी तो देखते ही फट गई, मैं तो यार भाग गया, हीरे लेकर के नहीं आया यार। अरे तुम तो बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ मैं, तुम तो सबसे बड़ा डरपोक निकले। ये तो फ्रैंकलिन ने कमाल ही कर दिया कमाल, मैं तो बहुत खुश हूँ इन लोगों से। मैं 10% के जगह पर तुम लोगों को 20% देता हूँ, तुम लोग सबको मिल के बांट लेना। अरे प्रेसिडेंट साहब, 20% गोल्ड में से मेरा भी हिस्सा होगा ना। अरे नहीं, तुम्हारा हिस्सा कैसे हो सकता है, तुम तो कामचोर निकले, एक नंबर के नल्ला। फ्रैंकलिन चोप और पिंचे
इन तीनों मिलकर के बांट लेंगे। अब मैं चलता हूँ, 20% गोल्ड आपस में तुम लोग बांट लेना। अबे यार चोप भाई सब मजा ही आ गया। फर्स्ट में यार 50% गोल्ड यार हम लोगों ने घर पर ही चुरा करके रख लिए, उसके बाद भी यार प्रेसिडेंट साहब खुश होकर के 20% अब उन लोग को दे दिए। यार कितना सारा गोल्ड हो गया उन लोग के पास में। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन मजा ही आ जाएगा। अब तो यार मुर्गी खरीदोगे ना लेग पीस खाने के लिए। अरे यार ये लोग तो अमीर बनते जा रहे धीरे धीरे। इन लोगों के पास में तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा गोल्ड हो गया। और ये चोप का बच्चा बोलता है कि अब लेग पीस खाऊंगा लेग पीस। अरे यार चोप तेरे को तो मैं पोटी खिलाऊंगा पोटी। रुक जा एक काम करता हूँ यार, ये लोग प्रेसिडेंट साहब की गोल्ड चोरी की है ना, मेरे पास एक आइडिया है, फिर मैं इन लोगों को बताता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे दिमाग के आगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो। मैं तुम लोगों को गरीब करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार पिंचन और चोप तुम लोग यार सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो यार, तुम लोग हम लोग से भी ज्यादा बहादुर हो। अरे फ्रैंकलिन भैया आपका तो कोई जवाब नहीं यार, आप तो लॉस सैंटोस के सबसे बड़ा चोर हो यार। अरे सिंचन थैंक यू यार थैंक यू, तुम तो यार कम से कम मेरा तारीफ किए। अरे यार गाइस देख रहे हो सिंचन भी यार अपन को तारीफ कर रहा है, प्लीज यार आप लोग भी सपोर्ट कर दो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।